जय हिंद दोस्तों, मैं चंदन आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस स्टेप इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि पता है SSC GD की भर्ती आने वाली है और स्टार्टिंग डेट थी 25 तारीख को, लेकिन अभी तक आई नहीं है, बहुत जल्दी आने वाली है। तो इसके लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुका है आप लोगों का, तो आज हम डाइस का सेकेंड पार्ट को करेंगे। पहले पार्ट हमने अपलोड कर दिया है और आज दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं डाइस का। इसमें हम डबल डाइस के बारे में पढ़ेंगे, दो डाइस होगा इसमें, डबल डाइस होगा मींस दो ठो पासा का होगा, दो पासा होगा इसमें, और उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। देखिए, जब दो पासा में एक सतह समान हो, जब दो पासा में एक सतह समान हो, जब दो पासा में एक सतह समान हो तब हम क्या करेंगे, कैसे उस क्वेश्चन को हल करेंगे, तो देखिए बताते हैं हम। देखिए, जैसे एक पासा है 5 4 3 और एक पासा है 6 3 1 अब इसमें क्वेश्चन पूछ दिया जो तीन का अपोजिट क्या होगा, क्वेश्चन पूछा है तीन का विपरीत फलक कौन सा होगा, तीन का अपोजिट पूछ दिया तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें से एक सतह जो समान है, देखेंगे कौन सा सतह समान है, तो तीन यहां भी है और यहां भी है, और किसी चीज को नहीं देखना है, तो तीन पहले लिख दिया। उसके बाद देखिए, तीन के बाद 4 5 6 इधर 4 5, फिर इसके नीचे आएंगे, तीन लिखा हुआ है, तीन के बाद क्या है, यहाँ पे भी तीन हो गया, तीन के बाद 6 और 1 है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देंगे। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, 4 का अपोजिट 6, 4 के नीचे 6 दिखाई दे रहा है और 5 के नीचे 1 दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये दोनों जो दिखाई दे रहा है तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, 4 का अपोजिट 6 और 6 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 5। उसी तरह अब देखिए, 3 का अपोजिट तो 3 होगा नहीं, क्योंकि 3 का विपरीत फलक 3 का अपोजिट पूछा है तो कभी भी नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए कौन सा ऐसा नंबर है जो नहीं दिखाई दे रहा, अब बोलेंगे यहाँ पे 7 भी नहीं दिखाई दे रहा, 8 भी नहीं दिखाई दे रहा, नहीं, देखिए काउंट कर लीजिए 1 3 4 5 6, बीच में कौन सा नंबर मिसिंग है, तो 2 मिसिंग है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2, 2 क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट होगा। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, और इससे पहले स्टैंडर्डाइज का क्वेश्चन बहुत सारा हमने हल कर दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को जाकर के देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखिएगा। अभी हम डबल डाइस वाला क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, दो पासा दिया हुआ है ए बी और एफ, दूसरा पासा दिया हुआ है सी डी और एफ, और इसमें क्वेश्चन पूछा है जो जब ए क्वेश्चन है जब ए सबसे ऊपर होगा, जब ए
ऊपर हो तो कौन सा अच्छा सबसे नीचे हो तो कौन सा अक्षर सबसे नीचे होगा क्वेश्चन है। दो पासा दिया हुआ है ये और इसमें पूछ दिया है जो यदि ए पासा सबसे ए यदि ऊपर रहेगा तो उसके नीचे कौन सा सबसे नीचे कौन सा होगा। तो देखिए सबसे पहला काम क्या करेंगे इधर देखिए ए बी एफ सी डी एफ कॉमन सतह को खोजेंगे तो कॉमन क्या है यहां पे एफ है और यहां भी एफ है तो यहां पे एफ लिखेंगे एफ। अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे एफ के बाद बी ए बी लिखेंगे एफ के बाद ए बी उसके बाद देखिए इधर एफ है अब इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे तो सी डी एफ। अब देखेंगे एफ सी डी देखिए अब क्या देखेंगे देखिए बी का अपोजिट डी हुआ और ए का अपोजिट सी हुआ एफ का अपोजिट क्या होगा एफ का अपोजिट क्या होगा तो देखेंगे यहां पे कौन सा लेटर मिसिंग है ए बी सी डी एफ आ रहा है तो एफ से पहले क्या होगा ई एफ से पहले क्या होगा ई तो एफ का अपोजिट क्या हो गया ई मींस यदि एफ का यदि अपोजिट पूछे तो ई होगा लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जब ए सबसे ऊपर हो तो कौन सा अक्षर सबसे नीचे होगा ए ऊपर है तो नीचे क्या होगा सी। यदि ए सबसे ऊपर होगा ए सबसे ऊपर होगा तो उसका नीचे क्या होगा सी। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं आशा करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं डाइस में नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है अभी तो ये था जब दो पासा में एक सतह समान हो। अब दूसरा टॉपिक है इसमें जब जब दो पासों में दो सतह समान हो तब क्या करेंगे जब दो पासों में दो सतह समान हो तब क्या करेंगे। पासा कौन सा है तीन चार पांच और एक पासा हो गया तीन छ चार थ्री सिक्स फोर। अब क्या करेंगे अब यदि यहां पे मुझसे फाइव का अपोजिट पूछ दे या थ्री का अपोजिट पूछ दे तो मैं क्या बताऊं। देखिए कैसे होगा इस क्वेश्चन का आंसर थ्री फोर थ्री फोर दो पासा है एक पासा दूसरा पासा इसमें दो सतह समान है तीन तीन चार चार दोनों का दोनों पासों में दो सतह समान है। तो देखिए बचा क्या इसको और इसको हम क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद जो नंबर बचा वो एक दूसरे का अपोजिट होगा थ्री फोर क्रॉस हो गया तो पांच बचा पांच का अपोजिट क्या बचा छह पांच का अपोजिट पांच का विपरीत छह होगा और छह का विपरीत पांच होगा। अब यदि हमसे पूछा जाए तीन का अपोजिट क्या होगा और चार का अपोजिट क्या होगा थ्री का अपोजिट क्या होगा तीन का विपरीत क्या कौन सा नंबर होगा और चार का विपरीत कौन सा नंबर होगा। तो देखिए तीन का विपरीत
पांच का विपरीत तो छह हो गया। अब यहाँ पे जो नंबर मिसिंग है उसी नंबर को हम लिखेंगे। देखिए 5, 6, 4, 3 मिसिंग क्या क्या है, 1 मिसिंग है और 2 मिसिंग है। 3 का अपोजिट या तो 1 होगा या तो 2 होगा, 4 का अपोजिट या तो 1 या तो 2। यदि इस तरह का आंसर यदि ऑप्शन में ना हो तो सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड ही आंसर होगा। इस तरह का यदि आंसर ऑप्शन में ना दिखाई दे तो हम ऑप्शन में सी एंड डी को टिक करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये भी टॉपिक समझ में आया होगा। इसका एक क्वेश्चन को और ले लेते हैं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। जब दो पासों में दो सतह समान हो तब विपरीत कैसे निकालेंगे, तो जब दो पासों में दो सतह समान हो तो क्या करेंगे, समान सतहों को काट कर देंगे, समान सतहों को कट कर देंगे, जो सतह बचेगा वो सतह एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। उसके बाद जो नंबर यहाँ पे मिसिंग होगा वो इस नंबर का जो सतह जो समान है वो उस नंबर का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है दिए गए पासों में तीन के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। पासों में तीन के विपरीत फलक पे विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, कौन सा अंक होगा। पासा क्या है, पासा है 2, 3, 5, 2, 3, 5 और एक पासा है 2, 5, 4, 2, 5, 4 और यहां पे ऑप्शन भी दिया हुआ है। ऑप्शन एक में दिया हुआ है एक, ऑप्शन ए में एक, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 4, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 6, ऑप्शन डी में दिया हुआ है 5। क्या होगा, आप लोग पहले क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए फिर बनाते हैं। क्वेश्चन बोला दिए गए पासों में तीन के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। पासा दिया गया है, अब इसके तीन के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए सबसे पहले तो देख लीजिए इसमें विपरीत खोजिए, अपोजिट खोजिए, अपोजिट है। अच्छा सत्ता समान है, सत्ता समान है क्या, देखिए तो हाँ सत्ता समान है, 2 और 5 समान है, इसको कट कर दीजिए। दोनों पासा में 2, 5 को कट करिए, 2, 5 जब कट हो गया तो बचा 3 और 4, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया 4। अब 2 और 5 का, 2 का अपोजिट क्या होगा और 5 का अपोजिट क्या होगा, हमने बताया था जो यहाँ पे जो टर्म मिसिंग है उसी वही एक दूसरे का अपोजिट होगा। 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2 मींस क्या मिसिंग है, 1, 2 एक मिसिंग है, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, तो क्या होगा सीक्वेंस में क्या मिसिंग है, 1 मिसिंग है, तो इसका अपोजिट क्या होगा 1। 2 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट भी क्या होगा 1, क्योंकि जो मिसिंग है वही उसका आंसर होगा। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए 1 होगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और एक लेते हैं, तब तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
फिर से वही क्वेश्चन है, पासा खाली चेंज कर दिया गया है, 1 5 3 दिया हुआ है और दूसरा पासा है 2 3 3 2 5 है, ठीक है। तो यहां पे पूछा है 2 के विपरीत कौन सा होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, 2 के विपरीत क्या होगा, यहां पे क्वेश्चन पूछा 2 के विपरीत क्या होगा। तो मेरा पहला काम, हम आपको क्या बताए थे, पहला काम बताए थे जो पहले देख लीजिए, यदि पासा में दो सतह समान है, देखिए यहां पे 1 5 3 है, यहां पे 2 3 5 है, तो 3 और 5 ये दोनों तो सतह समान है।